पैसा बहुत मायने रखता है, चाहे हम किसी भी फाइनेंशियल स्टेज में हो। दोस्तों, एक अकेला मामला सब कुछ उल्टा कर सकता है, ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो अगर हमें अपने बजट को बचाना है या हमें पैसे को बचाना है, तो हमें कुछ जो बातें हैं उसकी जानकारी जरूर रखनी होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकु। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, पैसे बचाने के मैंने बहुत सारे वीडियो आप लोगों को दिए हैं और उन जो जो मैंने आपको टिप्स बताई है उन सबको आप लोगों ने फॉलो भी किया है और आप लोगों के जो अच्छे अच्छे कमेंट है वो मुझे लगातार मोटिवेट भी करते हैं। मोटिवेट करने से ये होता है दोस्तों कि मैं जब भी कुछ नया चीज़ या नया पॉइंट देखती हूँ तो उसे मैं मतलब साइड में लिख लेती हूँ कि अगला वीडियो मैं अगर बनाऊंगी तो उसमें ये जो बात होगी इसका डिस्कशन मैं जरूर करूंगी। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें भी चार ऐसे पॉइंट हैं जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए और ये जो चार पॉइंट है ये भी हमारे पैसे बचाने में जरूर मदद करेगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों कि बिजली का उपयोग ध्यानपूर्वक करें। देखिए, ऐसा है कि आजकल, हाँ एक चीज़ और, गर्मी बहुत पड़ रही है तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपको एसी नहीं चलाना है या आपको कूलर नहीं चलाना है। जितनी ज़रूरत है उतना तो उपभोग हम करते ही हैं बिजली का। लेकिन बात यहाँ पे ये आ रही है दोस्तों कि बहुत बार ऐसे होते हैं कि जो बल्ब, जो हम पारंपरिक बल्ब रखते हैं उससे कुछ LED बल्ब जो होते हैं वो थोड़े महंगे तो पड़ते हैं लेकिन इसमें ऊर्जा का खपत जो है वो कम होता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो LED बल्ब है ये मतलब इसकी रोशनी भी अच्छी होती है, इसके साथ ये ज़्यादा गर्म भी नहीं होते हैं और ये हमारे बिजली का खपत जो है वो कम करते हैं। तो इसलिए ऐसे उपकरण में अगर हम अपने पैसे को लगाते हैं या ऐसे उपकरण को हम परचेज करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। दोस्तों, इसके साथ जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लेते हैं उसमें हमेशा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पावर कंज्यूमिंग कितना करता है, कितना मतलब यूनिट उससे उठता है, ये सब चीज़ की जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम घर में तो जैसे फ्रिज रखे ही हैं, वॉशिंग मशीन रखे ही है और साथ के साथ AC वगैरह भी है, लेकिन इसके साथ जब हम उसको परचेज करने जाते हैं तो उसमें ये हमें देखना चाहिए कि वो कितना मतलब यूनिट उठा सकता है या फिर उसका पावर कंज्यूमिंग जो होता है वो क्षमता कितना है, ये सब चीज़ों की जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम इस चीज़ को, प्रोडक्ट को लेते हैं तो हो सकता है कि वो हमें परचेजिंग के टाइम में थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो हमें आगे बहुत देखने मिलेगा। जब हम गर्मी के दिनों इन सब चीजों का यूज ज्यादा करते हैं तो वहां हमारा जो यूनिट होता है, हमारा बिजली जो है, इसमें हमारे पैसे बहुत ज्यादा बच सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम बिजली में पैसे बचाने लगते हैं तो आप समझिए कि हमारा बजट कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। तो सबसे पहला यहां पे पॉइंट आ रहा है कि आप बिजली का जो उपयोग करते हैं वो सावधानी से करें। इसके साथ दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत घरों में मैंने देखा है कि लगातार मतलब कि वॉशिंग मशीन डेली 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 चलाते हैं। हाँ, जिसका जॉइंट फैमिली है या जिनकी फैमिली बहुत बड़ी है तो वहाँ पे ये चीज़ एक बार मायने रख भी सकता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम अगर आपके घर में ज़्यादा सदस्य हैं तो आप एक सप्ताह में दो बार अगर मशीन चलाते हैं तो वो बहुत बेहतर होगा। और जितना हो सके घर में जो रोज़ के जो कपड़े होते हैं वो अपने हाथ से ही कपड़े धोने चाहिए, इससे हमारा जो बिजली है वो भी कम मतलब खपत होता है, साथ के साथ हमारा और भी जो जो चीज़ धुलाई में लगता है वो भी कम ही लगता है और हमारा जो हाथ से काम करने का आदत होता है वो भी बना रहता है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि ये जो रोज़ वॉशिंग मशीन जो यूज़ किया जाता है इसका भी यूज़ थोड़ा कम करना चाहिए, इससे भी हमारे पैसे ज़रूर बचेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि जब हम किराने की दुकान पे जाते हैं, हम अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हम बिना अगर लिस्ट बनाए जाते हैं तो बहुत ऐसे अनावश्यक चीज़ जो होते हैं वो आवेग में आकर हम ले लेते हैं।
हमें बहुत कुछ पसंद आ जाता है, या हम दुकान में जाते हैं तो हम मतलब कुछ भी उठा के लेके आ जाते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि वो चीज़ हमारे घर में उसका यूज़ नहीं होता है, वो ऐसे ही उसकी एक्सपायरी भी हो जाती है और हमें फिर वो डस्टबिन में फेंकना पड़ता है। ऐसा हुआ होगा सबके साथ। तो कहना यहाँ पे ये है कि खासकर जब हम ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं, और ये ग्रॉसरी शॉपिंग जो होती है ये हर घर में होती है, हर मंथ में होती है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ग्रॉसरी शॉपिंग जब हम करते हैं तो हमें एक लिस्ट जरूर तैयार करना चाहिए। एट रैंडम हम कुछ भी घर में लेकर नहीं आ सकते हैं कि चलो हम इसका भी यूज कर लेंगे और इसका भी यूज कर लेंगे। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि अगर हमने एक लिस्ट बना ली है, जैसे मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो भी दिया है कि हम ग्रॉसरी का जो लिस्ट होता है वो कैसे बनाएंगे, इसका आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उससे बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो एक बार अगर हमने वो लिस्ट बना ली है तो ज़रूरी नहीं है कि हर मंथ में हम उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग सामान को मंगाएंगे। हाँ, ये चीज़ है कि अगर हमारे पास लिस्ट है तो एक बार हम अपने किचन को चेक भी करेंगे, एक बार अपने पैंट्री को चेक भी करेंगे कि क्या क्या चीजें बच गई हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में कि अगर हमारे घर में बेसन है और हमें लगता है कि इस मंथ में इतने बेसन में हमारा काम चल जाएगा, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम बेसन मतलब उस दिन ऑर्डर करेंगे या फिर हम मजाक के दुकान से लेकर आएंगे, उसे हम कट कर सकते हैं। इसी तरह जो जो चीज़ें हमारे घर में हैं उन चीज़ों को हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? जब हम लिस्ट को तैयार करेंगे और जब हम उस लिस्ट को एक बार फॉलो करेंगे कि हाँ हाँ क्या चीज़ है क्या क्या नहीं है, तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अनियोजित अगर हम खर्चा करेंगे तो पक्का है कि हमारे पैसे नहीं बचेंगे। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों, फास्ट फूड से बचें। देखिए, मैं ये फर्स्ट टाइम इस पॉइंट को अपने मैंने वीडियो में लिया है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये है दोस्तों कि स्ट्रीट फूड जो होते हैं या जो फिर ये बाहर की चीज़ें होती हैं, जैसे कि मोमो, समोसा, गोलगप्पे, कुछ भी, ये हर इंसान को अच्छे लगते हैं, हर लोग इस चीज़ को खाना चाहता है, लेकिन इन चीज़ों का जो खपत है वो हमें कम करना चाहिए। एक तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते और इसकी रेट भी ज़्यादा होते हैं। दूसरा एक चीज़ और है दोस्तों, ये खाने में मैंने पहले ही कहा कि हर इंसान को अच्छे लगते हैं, लेकिन ये जो मैदा के आइटम जो होते हैं ना, ये जो ऑल पर्पस फ्लावर जो होते हैं, इसके जो आइटम होते हैं ये कंज्यूम हमें कम से कम करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाते हैं और इसमें पैसे भी हमारे वेस्ट होते हैं। तो पैसों को अगर बचाना है तो फास्ट फूड से ज़रूर हमें परहेज करना चाहिए। जो जंक फूड होते हैं उसका उपयोग कम से कम करना चाहिए। चौथी बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि कीमतों की तुलना जरूर कीजिए। कहाँ कौन सा चीज़ कितने में मिल रहा है और क्या ये चीज़ हमें सस्ते में कहीं मिल सकता है, तो इस चीज़ की जानकारी हमें ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, ऑनलाइन साइट हो या फिर ऑफलाइन हो, अगर हम परचेजिंग करते हैं तो एक बार हमें इसकी तुलना ज़रूर करनी चाहिए कि कहाँ हमें ये चीज़ सस्ता मिल रहा है और किस साइट पे ये चीज़ महंगा मिल रहा है, क्योंकि ये जब जानकारी होगा तभी तो हमारे पैसे बचेंगे। हमने कहीं कुछ देखा और कुछ लेकर आ गए तो इससे हमारे पैसे बचेंगे नहीं। अच्छा, दूसरा एक चीज़ ये होता है दोस्तों, घर तो हर इंसान चला लेता है, लेकिन तारीफ उसकी होती है जो कम से कम पैसे में अपने घर को मैनेज करके दिखाता है। ये बात एक आती है दोस्तों, पैसे बचाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कंजूसी करनी है या आप एक रिजिड बने हुए हैं कि हमें बस पैसा बचाना है तो बचाना है, ये चीज़ नहीं होता है। पैसा बचाना जो होता है ये एक ऐसी प्लानिंग होती है जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि किस किस पॉइंट पे या किस किस जगह पे हम कुछ पैसों की बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो मैंने आपको चार ऐसे पॉइंट के बारे में बताए जहां से हमारे पैसे बच सकते हैं, और उसके साथ दोस्तों ये चारों के चारों पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल नए हैं। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, आप कमेंट करके अपना राय मेरे साथ साझा कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट जो हैं उनका रिप्लाई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हाँ, उसके साथ ये भी पता चलता है कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, और वीडियो ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये तो पता चलता है लाइक से। इसलिए ढेर सारा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों, फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।